सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें भारतीय नौसेना की मिसाइलें, युद्धपोत, टॉर्पिडो, ये सब चीजें तो आपको देखने को ही मिलेगी वहां पे, इन सब की प्रदर्शनी लगेगी। साथ ही साथ भारतीय नौसेना के पूरे इतिहास से जुड़ी यादगार वस्तुएं भी आपको देखने को मिलेगी। इसको बनाने में लागत आएगी 23 करोड़ रुपए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि पिछले एक साल में जितने भी आपने संग्रहालय आपके न्यूज में पढ़े हैं, जितने भी म्यूजियम्स आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, वो सारे एक एक मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। और सारी शीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पे इंडियन नेवी की। तो दो पॉइंट आप याद रख लो, एक तो नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम, 4 दिसंबर को, और इस बार वाला कहाँ पे मनाया जाएगा, सिंधुगढ़ किले में जो कि है महाराष्ट्र में। और हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार है। अब आ जाओ आप, देखो आपको याद है पहला ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये बनेगा कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के थुतुकुड़ी जिले में, जो वहाँ पे आदित्य नल्लेर स्थान है वहाँ पे बनेगा। और याद रखना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही बनेगा मंदिर संग्रहालय। और याद रखना विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा, नई दिल्ली में। मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, जिसका नाम भी रख दिया युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहाँ पे बन रहा है, हरियाणा के राखीगढ़ी में। और इसरो ने बताओ किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था, स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। और भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाएगी, पश्चिम बंगाल में बनाएगी, जबकि पहला बनाया था विशाखापत्तनम में। और देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, इंदौर में, जबकि भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये कहाँ पे खुलेगा, तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम यानी कि श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापूजा में। भारत का पहला मेरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है हैदराबाद में। और अगर आपसे पूछे देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पे खुला, तो आंसर होगा उत्तराखंड के मसूरी में। और भारत के पहले खुले संग्रहालय आउटडोर म्यूजियम जिसका नाम है शहीदी पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। तो पिछले एक साल में जितने भी इंपॉर्टेंट म्यूजियम रहे, लगभग आप देख लो 14 क्वेश्चन मैंने आपको इस एक प्रश्न में आपको रिवाइज करा दिए। पूरे एक साल का निपटारा हो गया हमारा ये एक दो मिनट में म्यूजियम से संबंधित प्रश्नों का। एक डे भी होता है वैसे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, वो हम 18 मई को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया, तो आंसर होगा अमोल मजूमदार को। तो अभी BCCI ने अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है, इनका नाम याद रखना है। आप जानते हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर है। अच्छा, क्रिकेट से एक प्रश्न याद आएगा आपको, अभी जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें हमारी पुरुष हो या फिर महिला टीम हो, दोनों ने गोल्ड जीता था। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता था, यानी कि उप विजेता उसमें कौन रहा था, इसका उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स में। बाकी आप जानते हो मेन्स हॉकी टीम के कोच बने थे अभी, क्रेग फुल्टन इनका नाम है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, और मैंने आपको बोला है यहाँ से ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि अभी एशियन गेम्स में जो हमारी मेन्स हॉकी टीम है इन्होंने गोल्ड जीता था, तो मैंने आपको बोला था हॉकी से संबंधित जो भी अभी करंट अफेयर्स के प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न आ सकता है। बाकी मेन्स क्रिकेट टीम के कोच तो राहुल द्रविड़ हैं। और BCCI मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना होती है 1928 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में जो वानखेड़ा स्टेडियम है वहाँ पे। और इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, जबकि सचिव हैं जय शाह। और आपको याद है भी BCCI का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था, IDFC फर्स्ट बैंक बना था। और ऑफिशियल पार्टनर कौन बना था, SBI लाइफ बना था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है, आपको बताना है उनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा भाला फेंक, जेवलिन थ्रोवर हैं। तो आपको बताया यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2022 की, जो कि हुए 2023 में, और इस बार ये इसका चौथा संस्करण है, जिसको होस्ट कर रहा है चाइना के हांगझाऊ में। और इसका शुभंकर मैस्कॉट भी याद रखना फेई फेई है, और इसका स्लोगन भी है दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। लेकिन याद रखना इसके उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बियरर हैं, वो दो खिलाड़ी हैं, पारुल परमार और अमित सरोह। जो पारुल परमार इनका संबंध किससे है, शटलर है,
पैरा शटलर बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, और अमित सरो ये पैरा क्लब थ्रोवर हैं। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो सुमित अंतिल, जिनका संबंध भाला फेंक से है, अभी इन्होंने अपना जो पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसी को तोड़ दिया। कि मतलब कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका, 73.29 मीटर दूर। इनका जो पिछला रिकॉर्ड था वो 70.83 मीटर का था, और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीता है। आपको बता दूं, इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था, तब इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। और उससे पहले 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान यानी कि खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और नाम है जिन्होंने अभी गोल्ड जीते। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अंकुर धामा का, क्योंकि एशियन पैरा गेम्स के एक ही संस्करण में दो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। एक तो 1500 मीटर की दौड़ में और 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता है, तो इनका नाम जरूर याद रखना। एक सुंदर सिंह गुजर भाला फेंक में गोल्ड जीता, सचिन सजेराव खिलारी शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता, सिद्धार्थ बाबू ने शूटिंग में गोल्ड जीता, और प्राची यादव ने पैरा कैनोइंग में गोल्ड जीता, और रूबिना फ्रांसिस ने शूटिंग में गोल्ड जीता। और मैंने आपको बताया था इस बार के जो ये पैरा एशियन गेम्स है इसमें दो खेलों को पहली बार शामिल किया गया है, एक है पैरा ताइक्वांडो और एक पैरा कैनोइंग है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पैरा ताइक्वांडो में एक भारतीय है अरुणा तंवर, इन्होंने ब्रोंज जीता था, और अभी हमने पढ़ा पैरा कैनोइंग में प्राची यादव ने गोल्ड जीता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो अभी जो एशियन गेम्स हुए वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, और जिन जिनको याद है वो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। एशियन गेम्स 2022 वाले हैं, 2023 में हुए, 19वां संस्करण था, होस्ट कर रहा है चाइना का हंगझाओ। इसमें इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया था अमूल ने, उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे फ्लैग बियरर वो दो खिलाड़ी थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर हैं, इन्होंने जीता है सिल्वर। और ये भी याद रखना कि समापन समारोह में ध्वजवाहक थे पीआर श्रीजेश, तो हरमनप्रीत सिंह ये तो मेन्स हॉकी टीम के कप्तान रहे और पीआर श्रीजेश ये मेन्स हॉकी टीम के गोलकीपर रहे। अब मैं टीम इवेंट में आपको बताऊंगा कि टीम इवेंट में किस भारतीय टीम ने गोल्ड जीता है, साथ में ब्रैकेट में ये जो नाम लिखे हुए ये उप विजेता है, मतलब भारत ने इनको हराया। जैसे कि अगर बात करें हॉकी की तो मेन्स हॉकी टीम ने गोल्ड जीता, किसे हराया, जापान हराया, लेकिन यहाँ पे महिला हॉकी टीम जो रही इन्होंने ब्रोंज जीता केवल, कोई बात नहीं। क्रिकेट में आते हैं तो इसमें पुरुष टीम ने और महिला टीम दोनों ने गोल्ड जीता, लेकिन बात करें उप विजेता कौन रहा तो पुरुष टीम ने हराया अफगानिस्तान को और महिला टीम ने हराया श्रीलंका को। वहीं अगर बात करें कबड्डी में तो पुरुष और महिला दोनों ने जीता है गोल्ड, कबड्डी में पुरुषों ने हराया ईरान को और महिलाओं ने चीनी ताइपे को हराया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताए इतिहास में, एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार 100 से ज़्यादा मेडल लेकर के आए हम। तो दो तरह के प्रश्न बनेंगे कि इस बार के जो एशियन गेम्स हैं इसमें हमारा 100वां जो पदक है वो कौन लेकर के आया, तो आप कह दोगे महिला कबड्डी टीम लेकर के आई। और दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि 100वां पदक कौन सा था, गोल्ड सिल्वर या ब्रोंज, तो गोल्ड मेडल था। वैसे कितने मेडल आए इस बार हमारे पास, 107 मेडल आए हैं। पदक तालिका में देखोगे तो भारत चौथे स्थान पर है 28 गोल्ड 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज के साथ। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे साउथ कोरिया है, चौथे पे भारत है। थोड़ा सा इतिहास देखें हम अगर, तो इसमें पहले जो एशियन गेम्स हुए थे वो 1951 में हुए थे नई दिल्ली में। भारत में ये दो बार हो चुके हैं 1951 और 1982, ये प्रश्न एग्जाम में आया था 1982 वाला। पिछली बार इंडोनेशिया में हुए थे, अभी चाइना में, और अगली बार 2026 में जापान में होंगे। और ये भी याद रखना इस बार मैस्कोट तीन थे, चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, ये तीनों रोबोट हैं। क्योंकि आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनके परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि ये जो मैस्कोट है ये है क्या, तो ये तीनों रोबोट हैं, इसलिए यहाँ पे ये लाइन मैंने जोड़ दी है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो, चाहे वो अपने करंट अफेयर्स का हो चाहे वो न हो, ताकि उन क्वेश्चंस को मैं रिवीजन में ऐड कर सकूँ अगर मैंने नहीं बताया तो। मैं साफ साफ यूँ भी बोलता हूँ, यूँ नहीं कह रहा मैं सारे क्वेश्चन अपने ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो नहीं भी आते, तो आप मुझे बताओगे तो मैं उनको ऐड भी करूँगा रिवीजन में, और उससे संबंधित अगर और कोई भी प्रश्न बन रहे होंगे तो मैं उनको ध्यान रख के आपको रिवाइज भी कराऊंगा। मुझे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने के साथ साथ आपकी पॉलिशिंग भी करनी है, जितनी ज़्यादा पॉलिशिंग मैं आपकी करूँगा उतनी ज़्यादा चमक आपके अंदर आएगी। और यहाँ पे पॉलिशिंग का क्या मतलब हो गया, चीज़ों को बार बार रिपीट करवाना, बार बार रिवाइज करवाना, किसी चीज़ पे बार बार पॉलिशिंग करो, उसे बार बार घिसो तो वो चमकता है, वैसे आपको चमकाना है मुझे। तो अभी बढ़ते हैं फिर आगे। बस हाँ, एक काम आप ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आता है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, भूल जाते हो आप लोग, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट कितना होगा, 5000 लाइक्स का। एक दिन तो टारगेट पूरा कर दो यार, शेयर करोगे तो सब हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए
अभी हाल ही में किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंद्रमणि पांडे को। तो अभी इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। वे किन का स्थान लेंगे? तेंजिन लेकफेल का। और यहाँ पर ये नाम, ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। अब आप कहोगे कि ये नाम तो हमें सुना सुना लग रहा है, अभी न्यूज़ में आया था क्या? बिल्कुल आया था, हमने पढ़ा था। इंद्रमणि पांडे ये अभी तक जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थायी प्रतिनिधि थे। तो अब मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि उनकी जगह अब कौन आ गए, मतलब जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए हैं? यह अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, आपको नाम बताना है। बाकी अगर बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। स्थापना होती है 1997 में, हेडक्वार्टर है ढाका में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। और हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये किस देश के पास है, तो आंसर होगा थाईलैंड। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर जिसका नाम है ट्राइडेंट, इसका निर्माण कौन करेगा? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का, विशाल टेलीस्कोप का निर्माण करेगा और इसका नाम है ट्राइडेंट। और इसका काम क्या होगा? तो जो घोस्ट पार्टिकल है, या आप कह दो न्यूट्रिनो, तो घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एक्सक्लूसिव पार्टिकल का ये पता लगाएगा, उसकी स्टडी करेगा। और न्यूट्रिनो की बात करें ये क्या है, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, पर इस पे न्यूट्रॉन की तरह कोई चार्ज यानी कि कोई आवेश नहीं होता। वे हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। और अभी तक ऐसा मानते थे कि ये द्रव्यमान रहित होता है, मतलब इसका कोई मास नहीं होता, पर अभी ऐसा पाया गया कि इसमें थोड़ा बहुत मास जरूर होता है। तो अभी तो इस प्रश्न में आपको सिंपल सा याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? चाइना करेगा, और उसका नाम ट्राइडेंट है, ये भी याद रखना। वैसे अभी वर्तमान में सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप ये अंटार्कटिका में है और उसका नाम है आइस क्यूब। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत में भी प्रस्तावित है एक न्यूट्रिनो वैधशाला, जो कहां पे बनाई जाएगी या कहां पे प्रस्तावित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में थेनी जिले के पोट्टीपुरम गाँव में। और इसी तरह से आपको याद आएगा भारत में लीगो वैधशाला ये बनेगी कहां पे? महाराष्ट्र के हिंगोली में। और यहाँ पे मैंने ये लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके आविष्कारक के नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जे.जे. थॉमसन है, न्यूट्रॉन के हैं जेम्स चैडविक और प्रोटॉन के हैं ई गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। वैसे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होता है तो आगे माइनस लगाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज तो सेम ही होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो ये आप जरूर याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो वृद्धावस्था में देखभाल के लिए अभी देश का तीसरा एजिंग सेंटर स्थापित होगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब आप पूछोगे पहला और दूसरा कहाँ पे है, तो पहला एम्स दिल्ली में है, दूसरा मद्रास यानी कि चेन्नई, तीसरा BHU उत्तर प्रदेश में। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न का मैं आपको रिविजन कराऊंगा, जो कि देश या विदेश में पहली बार हुई थी चीजें। जैसे कि देखो, भारत में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया, नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। दुनिया का पहला ह्यूमेनॉइड रोबोट जिसका नाम है P-Bot, ये बनाया साउथ कोरिया ने। और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई थी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ये खुला तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। और भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा तमिलनाडु में। किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया, या खुलेगा? चेन्नई में। और फ्री में, हर सरकारी अस्पताल में फ्री में IVF ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला पहला राज्य ये गोवा है। और देश के पहले डाकघर पोस्ट ऑफिस का खिताब किसे मिला? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में केरन नामक स्थान के डाकघर को। और आप जानते ही हो, देश का पहला 3D पोस्ट ऑफिस अगर आपसे पूछे कहाँ बना? बंगलुरु में, जिसको किसने बनाया? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। और दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहाँ पे खुला? गुजरात के कल्लोल में। अगर पूछे दूसरा कहाँ पे खुलेगा, तो प्रयागराज में।
तो यहाँ पे देश दुनिया में जो भी चीज़ें पहली बार हुई करंट अफेयर्स में, उसके संबंधित टॉप 10 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, कल भी कराए थे, और वो शीट अलग थी और ये शीट अलग है, ध्यान देखना आप। तो इस तरह से डेली करंट अफेयर्स आपको देखना है ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, कॉन्टिन्यूटी आपको बना करके रखनी है ये मान के चलो। और इसी तरह से हम रिविज़न करवाते हैं आपके रिविज़न वाली क्लास में, तो वो रिविज़न वाली क्लास भी आप ज़रूर देखना चालू करें, उसको आप कुछ दिन देखें लगातार, आपको अपने आप बेनिफिट नज़र आएगा, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने अभी तक रिविज़न वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं तो ये कहता हूँ आप में से जो भी इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं यहाँ पे नया स्टूडेंट हूँ, साथ में ये बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे नोबेल प्राइज़ का ट्रिकी वीडियो हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ट्रिकी वीडियो हो गया, या वो रिविज़न वाली क्लास का हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे नए हो तो आपको चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो वो आसान रहेगा कि मैं आपको लिंक दे दूँ। तो कमेंट ज़रूर करना, अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर को जोनास साल्क का जन्मदिन होता है, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और ये कौन थे? ये अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी। लेकिन आप याद रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन को व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किसने बनाया था? अल्बर्ट साबिन ने। और आप जानते हो भारत पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, कब? 2014 में। पोलियो ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है। कौन सा वायरस? पोलियो वायरस, जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वैसे 24 अक्टूबर को और भी कुछ हमने मनाया, जैसे कि ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का स्थापना दिवस था 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है। 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे था। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे भी था। तो ये सारी चीज़ें 24 अक्टूबर को आती है, ध्यान में रखना। और जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज हम इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अभी हम बढ़ेंगे आगे। लेकिन फिर भी शीट में यहाँ पे लगा देता हूँ, किसी को रिवाइज करना है तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में पहचान जाने वाले किस पहले ब्लैक एक्शन हीरो का निधन हो गया? तो आंसर होगा रिचर्ड राउंड ट्री। तो पहले ब्लैक एक्शन हीरो के रूप में प्रसिद्ध थे ये रिचर्ड राउंड ट्री, इनका अभी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता थे और पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाते थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम की लिस्ट है। जैसे कि डेनिस ऑस्टिन की बात करें तो पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, ये निधन हो गया। जॉन वॉर्नेक की बात करें, अडोब के संस्थापक थे, निधन हो गया। और जॉन बी गुडेनफ, ये लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे, निधन हो गया। 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें, और नोबेल प्राइज पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति यही हैं। गॉर्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। और इयॉन विल्मोट डोली भेड़ क्लोन के निर्माता थे, ये निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे MS स्वामीनाथन, इनका भी अभी निधन हो गया। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि हरित क्रांति का जनक भारत में किन्हें कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेगा कि सदाबहार क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो भी आंसर यही होगा, MS स्वामीनाथन। ये मैंने आपको तब भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये प्रश्न बनेगा। देखो, एग्जामिनर की पकड़ में आ गया ना कि मुझे यहाँ से प्रश्न देना है, तो वो दे देगा। बाकी बिशन सिंह बेदी पूर्व स्पिनर थे, ये इनका भी अभी निधन हो गया, तो ये भी याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट नामों की शीट है ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध एक ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर है, और इसने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में सफल प्रजनन किया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, गिद्ध से दो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कि अगर पूछे कि विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और अगर पूछे कि भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा असम में। अब बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, तो येरा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज़।
और अगर पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ये कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे लंबी पर्वतमाला मिलेगी, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यह भी आपको यहीं पे मिलेगी, जिसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे जो घास के मैदान है उन्हें डाउन्स घास का मैदान कहा जाता है। गिब्सन मरुस्थल भी आपको यहीं पे मिलेगा। आपको याद है अभी पहली बार मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया ऑस्ट्रेलिया ने। मालाबार एक्सरसाइज ही क्वाड देशों के बीच में होती है, जिसमें चार देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। और 2032 वाले जो ओलंपिक्स होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। वैसे अभी 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स भी ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज हुआ था। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी? मिशेल बुल्लॉक बनी थी। और ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो हैरिस पार्क है उसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया। और अभी रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और आपको याद होगा अभी 2023 में ही ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हुए थे, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है सबसे पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल किसने जीता, यह आपको बताना है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की। इस बार इसका 7वां संस्करण था, जो कहाँ पे हुआ? सऊदी अरब के रियाद में। और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। इसमें भारत की तरफ से हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने हिस्सा लिया। और इसकी थीम क्या रही? द न्यू कंपास। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? और एक बार फिर आपको याद दिला दूं, आज का हमारा लाइक का टारगेट है 5000 लाइक्स का। तो लाइक जरूर करना और जम के शेयर करना। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाकर के इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में। PDF पे आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिविजन करवा दें। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस के डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा साधना नायर। और देश का पहला नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया गांधीनगर के कल्लोल में। IQAir के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना कौन सा? बीजिंग। लेस के ब्रांड एम्बेसडर बने MS धोनी। और इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 Women's 8 Ideas ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा ऋतु मेनन ने। और अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने जूनिपर वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया? लद्दाख। किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया? तो श्रीलंका। एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया चेतन भगत को। अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को। US ग्रैंड प्री 2023 का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपन ने, रेडबुल के ड्राइवर हैं। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा असम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।